मधेपुरा पुलिस कप्तान राजेश कुमार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि मधेपुरा शहर में कमांडो गश्ती दल के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक साथ सवार तीन अपराधी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि ये तीनों अपराधी किसी क्राइम को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते ही कमांडो गश्ती दल के हत्थे चढ़ गए। मधेपुरा पुलिस कप्तान के द्वारा ये भी बताया गया कि मधेपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जो कि शहर के बीचों बीच ऐसे अपराधियों द्वारा हथियार लेकर चलना पुलिस के लिए खुला चैलेंज के बराबर है। उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों अपराधी को पुलिस के द्वारा सदर थाना लाया गया। सदर थाना मधेपुरा में तीनों अपराधी को पूछताछ के दौरान पता चला कि अपराधी रुपेश कुमार उम्र करीब 20 वर्ष, पिता सिकेंद्र प्रसाद यादव, साकिन चिकनोटवा, वार्ड नंबर 8, थाना घेलार, ओपी जिला मधेपुरा के रहने वाले हैं। रुपेश कुमार पर सदर थाना मधेपुरा में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी 82/2020 दर्ज है, जो कि हाल ही में जेल से निकला है। दूसरा राजू कुमार, उम्र करीब 19 वर्ष, पिता ललन कुमार, साकिन बूढ़ी मुरहो, वार्ड नंबर 6, थाना भरहा ही, ओपी जिला मधेपुरा के रहने वाला है। तीसरा देवशु कुमार, उम्र करीब 21 वर्ष, पिता स्वर्गीय प्रकाश कुमार मणि साकिन, आनंद बिहार, वार्ड नंबर 3, थाना व जिला मधेपुरा का रहने वाला है। पुलिस कप्तान राजेश कुमार के द्वारा ये भी बताया गया कि पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि ये तीनों अपराधी किसी बड़े घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन मधेपुरा पुलिस ने घटने से पहले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से एक हीरो कंपनी की गाड़ी सहित एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस समेत 5 मोबाइल बरामद किए गए। इन तीनों अपराधियों पर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी 143/2022 दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया। क्या मामला है, कहां से गिरफ्तारी हुई है? कल दिनांक 16/2022 को वाहन चेकिंग के क्रम में मधेपुरा थाना अंतर्गत कार्यरत कमांडो टीम, जो कि विपिन कुमार के नेतृत्व में काम कर रहा है, वो एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्तियों को रोक करके चेक किए। चेकिंग करने के दौरान उसमें से एक व्यक्ति के पास से, एक लड़का के पास से एक पिस्टल बरामद हुआ और साथ में 3 गोली भी बरामद हुई। तीनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाना लाया गया और पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि तीनों का नाम, एक का रुपेश कुमार नाम है जो चिकनोटवा घेलाड़ का रहने वाला है, दूसरा राजू कुमार है जो कि भर्राई ओपी के रहने वाले हैं, और तीसरा देवशु कुमार है जो मधेपुरा टाउन एरिया में ही रहने वाले हैं। इन लोगों का आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो ज्ञात हुआ कि रुपेश कुमार को के विरुद्ध में पूर्व में मधेपुरा थाना कांड संख्या 82/20 में चार्जशीटेड भी हैं, जो कि वर्तमान में बेल पर छूटे हुए थे। तो पुलिस के लिए एक अच्छी उपलब्धि है, शहरी क्षेत्र में पिस्टल के साथ में भ्रमण करने का मतलब ये है कि किसी क्राइम को अंजाम देना ही इनका उद्देश्य था, और समय रहते पुलिस ने कार्रवाई करके इन्हें पकड़ लिया। दो अन्य जो हैं उन पर कहां का कोई मामला के विरुद्ध में अभी मामले प्रकाश में नहीं आए, जिले में संबंधित आसपास के जिले सहरसा और सुपौल, उनसे भी उन लोगों को भी इस संबंध में अवगत कराया गया है, उन लोग भी पता कर रहे हैं कि इनके विरुद्ध में वहां कोई मामला है या नहीं। जिला ब्यूरो, अमीर आजाद की रिपोर्ट, R9 भारत।